हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सदरपुर में सर्प दंश के चलते बेटे और बेटी की मौत हो गई, जबकि मां की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव सहित क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों के जीवित होने की आस में परिजन इनको झाड़ फूक करा रहे हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक पात्रगढ़ क्षेत्र के गांव सदरपुर में रिंकू जाटव पुत्र करतार सिंह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। रविवार रात्रि में रिंकू की पत्नी पूनम 30 वर्षीय अपने दोनों बच्चों साक्षी 10 वर्ष और कनिष्क 9 को लेकर जमीन पर सो रही थी। सोमवार सुबह 3 बजे साक्षी के पैर, कनिष्क के हाथ और पूनम की उंगली में सांप ने काट लिया। सांप के काटने से चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। तीनों को तुरंत नाजुक हालत में अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बेटी साक्षी और पुत्र कनिष्क की मौत हो चुकी थी। परिजन उन्हें अभी भी जीवित होने की आस में झाड़ फूक करा रहे हैं, लेकिन इसके बाद परिवार का हाल बेहाल है। आपका अजब सिंह। अच्छा, कौन सा गांव है? सदरपुर। अच्छा, क्या घटना हुई है पाज? ये बच्चा सांप ने काटा है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब इनको दिखाया, अब ये खत्म है, या सबने मना कर दी, जहाँ इलाज के दिखवा रहे दिखा रहे हैं। अब कुछ कार्रवाई चाहते ना, हम कहाँ चाहेंगे, अब ये जब भी खत्म होगा जब भी।